दोस्तों अभी जो आप वीडियो देख रहे थे ये वीडियो सऊदी अरब का है सऊदी अरब में अभी भी बारिश को लेकर वार्निंग जारी किया गया जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दें कि रात और दिन लगातार अभी भी सऊदी अरब के कई हिस्सों में पानी गिरने को लेकर अपडेट किया जा रहा है इसके साथ मक्का में भारी वार्निंग जारी की गई है दोस्तों अगली अपडेट एक बेहद इम्पोर्टेंट जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए बंगाल के खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव होने की वजह से रविवार को चक्र तूफान मिचोंग में बदल गया है पांच दिसंबर तक इसके नेल्लोर और मछलीपट्टम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश तट से टकराने की संभावना बताई गई है इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हवा चलने की उम्मीद बताई गई है इसके साथ एक बुलेटिन के अनुसार अपडेट किया गया है कि दक्षिण ओडिशा के अधिकतम हिस्सों में एवं राज्य के तटीय क्षेत्र में भारी बारिश भी हो सकती है यानी इसका नाम अभी मिचोंग रखा गया है काफी ज्यादा तेजी से ये तूफान आने वाला है दोस्तों अगली अपडेट एक बेहद इम्पोर्टेंट अपडेट है इसराइल हमास के बीच लाल सागर में अमेरिका युद्धपोत पर अटैक देखा गया है पेटागन ने इसकी जानकारी दी है यानी कि हौथी विद्रोहियों से अभी जोड़ा जा रहा है क्योंकि इसके पहले भी दो जहाज पर हमला करने का दावा किया गया था लेकिन अभी जो हौथी हैं उन्होंने स्वीकार नहीं किया है इस हमले को लेकर यहां पर हम आपको बता दें कि ये एक बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों अगली अपडेट एक बेहद इंपोर्टेंट अपडेट है अपडेट करेंगे, कर करेंगे दोस्तों अगली अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप सऊदी अरब में रहते हो और कोई भी बेस्ट कचरा गाड़ी के विंडो से बाहर फेंकते हो तो ऐसे में सऊदी हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि आपको अब एक फाइन के तहत गुजरना होगा मतलब एक हजार जुर्माना देना होगा जिस तरह से आप देख सकते हो फोटो में क्या दिखाया गया है इस तरह की आपको गलती अभी नहीं करना है